नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 में। मैं हूं आपके साथ आकृति। आइए जानते हैं झारखंड की विशेष खबरों के बारे में। डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए फलेरिया विभाग के द्वारा डोर टू डोर दवा का छिड़काव व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग इस बीमारी की चपेट में ना आए, स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने आस पड़ोस अपने परिजनों को भी स्वस्थ रखें। बरसात का मौसम आते ही डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में इस बीमारी का प्रकोप ना बढ़े, लोग स्वस्थ रहें, इससे लेकर फलेरिया विभाग के द्वारा नगर निकाय क्षेत्र और ब्लॉक स्तरीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां डोर टू डोर दवा का छिड़काव तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक घर में पैम्पलेट का वितरण भी करवाया जा रहा है, जिसमें लोगों को ये बताया गया है कि किस तरह से अपने घरों को साफ रखना है, पुराना टायर बर्तन इन सभी में पानी का जमाव ना हो, कूलर फ्रिज ट्रे फूलदानी गमला आदि को साफ रखना है, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। इन सब की जानकारी आम लोगों के साथ साझा की जा रही है, ताकि लोग इसकी चपेट में ना आए और सुरक्षित रहें। चिकनगुनिया का हम लोग प्रचार प्रसार में है और दवा का छिड़काव जहाँ नाली में यदि जमा पानी है वहाँ हम लोग डालते हैं, और ऐसे साफ पानी में डेंगू और चिकनगुनिया होता है, और वही घर घर जा कर के हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बहुत आदमी सुनते भी हैं, बहुत आदमी नहीं। अच्छा, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम करने की ज़रूरत है इस समय, चूँकि बरसात का मौसम है? ऐसे में हम लोग को केवल कीटनाशक दिया हुआ। बताया क्या जा रहा है आपके द्वारा, क्या निर्देश दिया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है? समझाया यही जा रहा है कि मतलब घर घर जा कर के डोर टू डोर टोटल आदमी को समझाइए, स्कूल में बच्चे लोग को समझाइए, है ना। यही सब हम लोग का नारियल का खोपड़ी हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, छत हुआ, ये सब में साफ पानी जमा होता है, उसी में डेंगू का और चिकनगुनिया का कीटाणु। क्या नाम हुआ आपका? धर्मराज यादव। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जीबीएन 24 के साथ।